गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने वाटर कलर से फ्लावर पेंटिंग सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले ड्राइंग बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पेंसिल को बड़ा लाइटली यूज करें, बड़ा हल्के हाथ से चलाएं, क्योंकि ज़्यादा डार्क पेंसिल अगर इरेज करनी पड़े अपने को तो वो इरेज अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए अपने को पेंसिल का लाइट यूज करना चाहिए। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे आपको लगता है कि पेंसिल ज़्यादा डार्क चली हुई है उसको थोड़ा थोड़ा इरेज करके लाइट कर लेंगे, ताकि वो कलर के अंदर से दिखेगी नहीं, कलर करने के बाद दिखेगी नहीं वो। अब अपने कलर स्टार्ट करेंगे। मेरे पास वाटर कलर हैं कैमल के, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वाटर कलर यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। वाटर कलर नहीं है तो आप पोस्टर कलर यूज़ करके बना लो, है ना, पोस्टर कलर से भी ये बन सकती है। तो रेड, मैं रेड कलर से इसको बना रहा हूँ पहले। पानी लगा लें पूरे कलर पे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गीले कर लें, ताकि कलर को अपने यूज़ करते हैं उस टाइम अपने को कोई दिक्कत नहीं आए, कलर पहले से ही रेडी हो जाएंगे यूज़ के लिए। ये मैंने रेड कलर लिया है, फ्लावर में रेड कलर करना है। पहले कलर को डार्क लगाओगे जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, लाइनिंग के आसपास डार्क कलर मैंने लगाया है यहाँ पे, और इसको बाद में वाटर से थोड़ा सेपरेट कर देंगे, इसको पानी से थोड़ा फैला देंगे।
लीव में लाइट ग्रीन कलर करना है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे। मैंने डार्क ग्रीन यूज़ किया है, उसको फिर लाइट करने के लिए वाटर से उसको स्प्रेड कर दिया है। सेम इधर भी ग्रीन, उधर वाली लीफ में वैसा इधर करेंगे ग्रीन कलर। थोड़ा डार्क कलर यूज़ करना है, डार्क ग्रीन। बीच में मैंने थोड़ा लाइट रखा है, लाइन के आसपास में थोड़ा डार्क करना है। सेकेंड कोट यानी दूसरी बार अगर आपको कलर करना हो
तो पहले वाला कलर जो पहली बार आपने कलर किया था वो सूख जाना चाहिए, पूरा ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरी बार कलर करोगे। बार बार एक ही जगह नहीं लगे रहोगे, है ना, उससे पेज ज़्यादा गीला होकर के गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा पेज। एक बार उसको ड्राई होने दें पहले वाले कलर को, फिर आपको दोबारा से सूखने के बाद उसमें दोबारा रीपेंट कर सकते हो आप। बीच में सेंटर में मैंने पहले से येलो कलर लगाया है, फिर मैं ब्राउन कलर से इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। आप भी यहाँ से डार्क करते हैं इसको, और ये डॉट डॉट मैंने ब्राउन कलर से लगाए हैं, आप भी ब्राउन कलर से लगाएं। डार्क ग्रीन से लाइनिंग करनी है। डार्क ग्रीन करने के लिए आप थोड़ा सा ग्रीन में थैंक यू स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ट्राई करें, बनाएं और मेरे को सेंड करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछें आप। थैंक यू।